आज स्मृति बैंक के संस्थापक नरेंद्र नाहटा का जन्मदिवस स्मृति बैंक परिवार पिपलिया मंडी शाखा पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्मृति बैंक के सभी स्टाफ जनों ने, कांग्रेस जनों ने नाहटा को पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चंचलेश व्यास, मोहनलाल गुप्ता, कमलेश पटेल, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश निदर, डॉक्टर अरुण मुदड़ा, नरेश जजवानी सहित शाखा प्रबंधक जय शर्मा, राजेश पाठक, राजेश धनोतिया, अभिषेक मनवानी, महेंद्र चौधरी, विनोद चौहान, भव्य शर्मा, याशिका जैन, दीप्ति कुमावत, अंकिता सेन, वीरेंद्र व्यास, कुलदीप विश्वकर्मा, सिद्धार्थ कुमावत और स्टाफ और एजेंट उपस्थित थे। इस अवसर पर स्मृति बैंक के संस्थापक के द्वारा पंछी बचाओ आंदोलन के तहत जल पात्र भी वितरित किए गए। परिवार, एजेंट, स्टाफ और भाई साहब के जो फैन क्लब हैं उनके द्वारा स्वागत किया गया। आज आदरणीय हमारे संस्थापक बैंक के नरेंद्र नाहटा भाई साहब का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में हमने थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम किया, उनसे समय मांगा, 10 मिनट का समय दें, यहाँ पे उनको माला से स्वागत कर पाएँ और उनको उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें जैसा कि हमेशा हमको मिला है। भाई साहब ने समय दिया, 10 मिनट का, 15 मिनट का रुके हमारे यहाँ और सबको आशीर्वाद भी दिया है, बहुत अच्छा लगा। पिपलिया मंडी के सभी नागरिक जो हमेशा बैंक को सहयोग करते हैं सभी आए हैं, उपस्थित रहे हैं, हमारे एजेंट बंधु सभी ने सहयोग किया, पत्रकार बंधु सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे और भाई साहब से ही उम्मीद करेंगे कि आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन बैंक को हमेशा मिलता रहे। जिस प्रकार बैंक ने प्रगति की है स्मृति बैंक ने सब के उनके भाई साहब के आदरणीय बड़े भाई साहब के प्रगति पर पहुंची, जो बैंक इतनी पुरानी 50+ साल पुरानी है वो भी इतनी ग्रोथ नहीं कर पाई, वो ग्रोथ स्मृति बैंक ने की है और स्मृति बैंक का पिपलिया मंडी में अभी 135 करोड़+ टच कर रही है बिजनेस में। और ये कि स्मृति बैंक का जो व्यापार है वो एक बड़े से बड़ा वर्ग सब जुड़े हैं। पहले बैंकिंग जो एक टफ काम होता था लोगों के लिए कि बैंकिंग किसे करना है, बैंकों में अभी भी सुनने में आया था बैंक में जाते हैं कि जवाब नहीं मिलता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, तो यहाँ पे हमने सुझाव दिए कि एक कस्टमर की इजी प्रोसेस हो, उसको लगे कि बैंकिंग बहुत आसान है, वो बैंक से जुड़े, उसको बैंक की सुविधाएं पता चले, जानकारियाँ पता चले कि बैंक में क्या सुविधाएँ मिलती, क्या नहीं मिलती है, बैंकिंग होती क्या है। सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही था कि हर छोटे वर्ग को कवर करना और हर बड़े वर्ग को कवर करना, जो कि बैंक ने कवर किया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहूँगा हमारे जो एजेंट बंधु राजीव जी धनोतिया ये श्रद्धेय स्मृति बैंक के संस्थापक परम आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी नाहटा साहब को जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं मैं मेरी तरफ से देता हूं और बैंक परिवार आज पिपलिया मंडी शाखा पर उनके जन्मदिन का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हमने और हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमारी रिक्वेस्ट मानकर यहाँ रुके 10 मिनट के लिए और उन्होंने हमको सभी को आशीर्वाद दिया। आज उनके मार्गदर्शन में स्मृति बैंक उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है और निरंतर हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आशा है हम सबको उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा और उनको पुनः मैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने सभी मित्रों को, कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के मेरे शुभचिंतकों को, स्मृति बैंक के सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने अपना स्नेह प्रकट किया और यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लोगों का जो मेरे प्रति स्नेह है वो बना रहे और भगवान इनका साथ मुझे। ईश्वर पवार की रिपोर्ट।